अब फिर से जमात के बारे में आपको बताते हैं। जमात का नाम आने से आप सोचेंगे कि इसका मुखिया मौलाना साद आखिर है कहाँ। 28 मार्च से लापता मौलाना साद की तलाश जारी है। मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है। मौलाना साद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज है। 2 अप्रैल को दिल्ली पुलिस का मौलाना साद उसे पहला नोटिस दिया गया। 6 अप्रैल को मौलाना साद को दिल्ली पुलिस ने दूसरा नोटिस भेजा। मौलाना साद ने कोरोना पर सरकार की एडवाइजरी नहीं मानी थी। धारा 144 के बावजूद मरकज में धार्मिक जमावड़ा लगाया था। सरकार मौलाना के ऊपर शिकंजा कस रही है। अब वो ज्यादा दिनों तक भाग नहीं सकता। इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड की तस्वीर है ये। नाम मौलाना साद। जुर्म भारत में 30% कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। कुछ दिन पहले तक मुस्लिमों को गुमराह करने के काम में लगा रहता था, अब फरार है। कानून के डर से छिप कर बैठा है, लेकिन जी न्यूज की टीम इसकी तलाश में दिल्ली से लेकर उसके घर उत्तर प्रदेश के शामली तक पहुंच चुकी है। लेकिन डरा हुआ मौलाना सामने नहीं आ रहा। मौलाना साद की तलाश में जी न्यूज की टीम कांधला पहुंची है। कांधला के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से यह जानने की कोशिश की, क्या मौलाना साद ने किसी से संपर्क किया है, कब यहां पर आखिरी बार देखा गया। बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने पहले यहां पर आखिरी बार मौलाना साद देखा गया था। और ये मौलाना साद के फार्म हाउस की तस्वीरें हैं। ये फार्म हाउस 15 से 25 बीघे के बीच में फैला हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मौलाना साद अपने इस फार्म हाउस पर हर साल कम से कम 2 से 4 बार जरूर आता है, अपने परिवार के साथ आता है। और ये पूरा इलाका आप देखिए मौलाना साद का ही बताया जाता है। क्या मौलाना साद गिरफ्तार होगा और कब गिरफ्तार होगा, ये बड़ा सवाल है। और लगातार हम भी इसी बात की तहकीकात कर रहे हैं कि मौलाना साद कहां पर छिपा हुआ है। शामली पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, क्योंकि मौलाना की गिरफ्तारी से संक्रमण के कई राज सामने आ सकते हैं। वो यहाँ के मूल निवासी है और महीने में लगभग एक बार उसका यहाँ आना जाना पूर्व में रहा है। इसके दृष्टिगत शामली पुलिस तथा LIU द्वारा भी वहाँ की गतिविधियों पे नजर रखी जा रही है। उसके फार्म हाउस में भी जाकर वहाँ पे जो मौजूद व्यक्ति थे उनसे पूछताछ की गई। मौलाना साद के रिश्तेदार भी रहते हैं, उनको भी पूछताछ उनसे की गई है। यहाँ पर उसका मूल निवास होने के नाते उस पूरे क्षेत्र पे लगातार नजर रखी जा रही है और बीच में नियमित रूप से ड्रोन से भी आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की जाती है। करीब 3 हफ्ते बीतने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस मौलाना साद के कुकर्मों का हिसाब करने में पीछे नहीं है। देश में मरकज से फैले कोरोना संक्रमण और इसकी बदौलत हुई मौत को लेकर पुलिस ने मौलाना साद और जमात के बाकी आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत कम से कम 10 साल या उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तबलीगी जमात के इस मरकज के मौलाना मोहम्मद साद का पिछले 20 दिन से कोई पता नहीं है। पुलिस लगातार उसे तलाश कर रही है, लेकिन मौलाना मोहम्मद साद अपने वकीलों के जरिए पुलिस के नोटिसों का जवाब दे रहा है। एक तरफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई तो मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को चिट्ठी लिखकर FIR की कॉपी मांगी है और ये कहा है कि उसने 91 CRPC के तहत मांगी गई जानकारी दे दी है।